नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स सिक्स में। एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो देखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। इसमें से काफी टॉपिक जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, देखते हैं एक बार। देखिएगा इसके अंदर है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में कौन सी आइटम लिखी जाएगी। तो एक बार थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस क्या है कि हमारा थर्ड स्टेप होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर की पोस्टिंग होने के बाद जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तलपट बोलते हैं। दो उसके साइड होती है, एक हमारी डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। डेबिट साइड में हमारा जो जिस लेजर का डेबिट बैलेंस होगा उसे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, और जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड में। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे मतलब जो एसेट है वो हमारी डेबिट साइड में ही होगी। एसेट का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, और हमारा जो लाइबिलिटीज का है वो क्रेडिट होता है, और दोनों का बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर किसी कारण से बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। और उस सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं फिर बाद में, सस्पेंस अकाउंट है क्या, एक बार एक क्वेश्चन एक बार पहले आया हुआ था पेपर के अंदर कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि जब किसी कारण से जल्दबाजी में, जब हमें बहुत ज्यादा जल्दी है और हमने ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, बैलेंस नहीं मिला, या फिर डेबिट साइड का या फिर क्रेडिट का, तो अब हम क्या करें, हमें अपनी रिपोर्ट देनी है जल्दी में, हमारे पास टाइम नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी की वजह से हम क्या करेंगे, उस बैलेंस को मिला देंगे। अगर डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का कम है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट करके उसको हम लोग बराबर कर देंगे। अगर क्रेडिट का ज्यादा है और डेबिट का कम है तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख कर हम उसको खत्म कर देंगे एक बार के लिए। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है आपका कि क्या ये टेम्परेरी सस्पेंस अकाउंट होता है या आपका परमानेंट होता है। नहीं, हमेशा ही टेम्परेरी होता है। जब हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देते हैं, आगे मान लो अगर हमने ऑडिट करानी है, एक बार के लिए हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे, फिर हम उसको सर्च आउट करते हैं कि भी हमारी मिस्टेक कहाँ रह गई, टोटलिंग में थी या फिर हमने अकाउंट की मतलब कि जैसे एरर मिस्टेक जो मैंने प्रिंसिपल्स कराए थे आपको कि भी एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कौन सी ऐसी मिस्टेक हो गई। तो उन मिस्टेक को ढूंढने के बाद जैसे जैसे हमारी जो मिस्टेक मिलती जाएगी, हम इस अकाउंट से उसको राइट ऑफ करते जाएंगे और बाद में जो सस्पेंस अकाउंट है वो निल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बीच में टॉपिक आ गया था तो मैंने साथ ही साथ आपको करा दिया, क्योंकि बीच बीच में अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है जो छोटा सा है, कुछ पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा, तो हम लोग उसको बीच बीच में करते रहेंगे ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी, टाइम हमारा वैसे ही कम होता जा रहा है। देखिए अब है जी परचेज रिटर्न। हमें ये पता है कि परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जब हम लोगों ने अकाउंट बनाना सीखा था ना, तो हमारे टीचर ने भी हमें बोला था, हमेशा आपको भी बोला होगा कि परचेज हमेशा डेबिट और सेल हमेशा क्रेडिट। और अगर परचेज डेबिट है तो सेल रिटर्न तो हमेशा ही क्रेडिट होगी, क्योंकि उसका अपोजिट हो गया, नहीं आएगा। फिर आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हो गया कि अभी हमने दिया नहीं है, अदत्त किराया, अदत्त किराया हमने देना है, हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो नहीं आएगा। उसके बाद ये है एडवांस रेंट रिसीव्ड। हमने किसी से रेंट एडवांस में ही ले लिया तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है कि आगे तो हमें मिलने नहीं वाला, तो इसका बैलेंस भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बचा क्या, प्रीपेड रेंट। ये हमारी एसेट है, प्रीपेड, हमने एडवांस में ही किसी को रेंट पेमेंट कर दी, तो क्या हो जाएगा जी, डेबिट बैलेंस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट किसमें रिप्लेस हुआ। सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन एक्ट कब आया वो देख लेते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट आया 2002 में, ये देख लीजिएगा किसमें रिप्लेस हुआ। एमआरटीपी एक्ट 1969 में, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन है यहाँ पर,
प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक बार इनको आप नोट भी कर सकते हैं कि ये हमें तो आंसर तो एक रहेगा लेकिन ये तीनों का भी हमें आंसर पता चल जाएगा कि बाय चांस इसमें से भी ना आ जाए। तो एमआरटीपी एक्ट था हमारा 1969, वो उसको रिप्लेस कर दिया गया 2002 में। 1969 के अंदर था मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी थी कि कोई भी ऐसा बाजार के अंदर कोई मोनोपोली ना कर ले, अपना सामान कलेक्ट ना कर ले, तो उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया कॉम्पिटिशन एक्ट से 2002 के अंदर। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में बना था कि कोई ट्रेडमार्क अपना ले सकता है। 1930 में सेल एंड गुड्स एक्ट था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नई अमेंडमेंट कब आई है, बिल्कुल लेटेस्ट आई है जी 2020 में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, तो पब्लिक में कितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। पब्लिक के अंदर होते हैं हमारे 7 और प्राइवेट में कितने होते हैं, 2, 4, 6, 10। 4 नहीं होते, 6 नहीं होते, 10 भी नहीं होते, 2 होते हैं। पिछली बार आपका 2019 में क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम मान लो मिनिमम 20, 100 मिनिमम 20 मैक्सिमम 200। तो हमारा ये राइट क्वेश्चन था जिसका ये था 2 मिनिमम और 200 मैक्सिमम। अब आ गया जी, ये 2013 के हिसाब से है, ये देख लीजिएगा। फिर आ गया जी बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने टॉपिक आपको करवाना है, उसमें 4-5 पॉइंट ही है। मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज और बैंक रिकंसिलेशन दोनों जल्दी से करा दूंगी, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, देखिएगा आप लोग। बिल है, बिल 19 जनवरी 2020 को एक महीने के लिए दिया गया है। तो जब हम किसी को बिल देते हैं तो अगर 30 दिन लिखा गया तो 30 दिन का मतलब 30 डेज ही रहेगा। अगर 1 मंथ दिया हुआ है तो 1 मंथ के अंदर ये कंफ्यूज क्यों कर रहा है हमें, जनवरी बता दिया तो 2020 तो लीप का वर्ष था, हम इसको 2019 कर देते हैं। 2019 तो 28 का महीना होता है फरवरी, 28 का महीना होता है फरवरी का, तो 28 का महीना, और इसने क्या बोला जी हमें 30 दिन, तो 19 जनवरी से लेकर एक महीने का टाइम हो गया 19 जनवरी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का कि बिल है 29 जनवरी 2019 को एक मंथ के लिए। अब एक मंथ के लिए का मतलब क्या हो गया जी, अगर हम 30 डेज की बात करेंगे तो 30 डेज ही आ जाएगा, 1 मंथ है, तो 1 मंथ का मतलब है कि जनवरी 2019 से शुरू हुआ ये, और कब खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया जी हमारा 28 फरवरी को। हम ये नहीं कहेंगे कि 29 फरवरी तो हमारी आती नहीं है तो हम 1 मार्च को इंक्लूड कर लें, हम लोग 1 मार्च को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 28 फरवरी तक ही एक महीना मानेंगे क्योंकि उसने 1 मंथ लिखा हुआ है। अगर वो 30 डेज बोलता तब हम 1 मार्च को इसके अंदर काउंट कर लेते। तो अब हमारा ऑप्शन क्या होगा, 28 फरवरी प्लस में 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता है बिल को पेमेंट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड क्या हो जाएगा, 3 दिन हम जोड़ देंगे तो क्या है, 2 मार्च नहीं, 4 मार्च नहीं, कोई भी नहीं, 3 मार्च इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया सेबी अपनी फॉर्म में कब आया था, मतलब कि फॉर्म में तो आ गया था वो 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को आ गया था, लेकिन वो उसको वैधानिक दर्जा कब मिला था, वैधानिक दर्जा उसको मिला था जी 30 जनवरी 1992 को। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप 10 साल के पिछले क्वेश्चन देखते हो तो 5 या 6 बार सेबी से रिलेटेड ईयर पूछ लेंगे, या तो वो कब आया अस्तित्व में और वैधानिक अस्तित्व में कब आया, मतलब कि बना कब, बना है वो 12 अप्रैल 1988 को,
और वैधानिक उसने कब आया था, 30 जनवरी 1992 को, ध्यान रखिएगा इसको भी। हाँ जी, फिर है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलेशन है क्या? बैंक रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि जब हम अपना बैलेंस बैंक के बैलेंस से मिलाते हैं और हमें पता लगता है कि इसमें तो बैंक ने बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं जिनका हमें पता ही नहीं था, तो हम उसको चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बैलेंस को रेक्टिफाई करते हैं, रिकनसाइल करते हैं। कि मान लो जैसे हमने कोई चेक इश्यू करा और वो हमने लेस कर दिया और प्रेजेंट ही नहीं हुआ, हो सकता है हमने चेक कलेक्ट किया और हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, हो सकता है वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया, या बैंक ने कोई चार्ज लगा दिया, या फिर बैंक ने जैसे आजकल तो बहुत से चार्जेज हैं, अपना भी SMS चार्ज है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का चार्ज होता है, तो हमें पता नहीं चलता हमने अपना बैलेंस कम कर रखा है, ज्यादा कर रखा है और बैंक वाले ने कम कर दिया। तो वो जो मिलान करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन। मैं टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगी आपको, लेकिन अभी जो एक रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। बैंक रिकंसिलेशन में से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है, हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, या तो प्रैक्टिकली आ जाएगा या फिर आपका थ्योरेटिकली आ जाएगा। देखिए, बैंक रिकंसिलेशन में ये कह रहा है कि अगर कैश का बैलेंस डेबिट है, कैश का बैलेंस डेबिट है, यहां वो कंफ्यूज करता है, कैश का बैलेंस डेबिट हो कैश बुक का या फिर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो, उससे इस आइटम को जो हमने ट्रीटमेंट करना है ना उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, अगर हमारा बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस पासबुक का दिया हुआ हो तो रिवर्स एंट्री करनी होती है। इसमें अगर डेबिट है क्रेडिट है ये सिर्फ कंफ्यूज करता है, हर बार पेपर में घुमा के यही क्वेश्चन आता है आपका कि बैंक का बैलेंस डेबिट है या बैंक का जो कैश बुक का जो बैलेंस है ना, कैश बुक का बैलेंस वो डेबिट है या कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने वही ट्रीटमेंट करना है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि पासबुक का बैलेंस हमारा डेबिट है तो हमने अपोजिट एंट्री करनी है, ये माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। तो अब क्या कह रहा है कि मान लो 10,000 रुपए हमारा बैंक का डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, अब चेक इश्यूड बट नोट प्रेजेंटेड, हमने क्या किया था, हमने 10,000 में से 1,000 रुपए के चेक इश्यू कर दिए और वो हमने अपना बैलेंस लिख लिया जी 9,000 रुपए, जबकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो प्रेजेंट ही नहीं हुए तो वापस से 10,000 रुपए कर देंगे, 1,000 रुपया इसके अंदर ऐड कर दिया जी, 10,000 रुपए हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आ गया जी एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में से भी मैंने बताया एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना ही आना है, और हो सकता है कि एक आ जाए, नहीं तो दो के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल मैंने पूरा का पूरा पार्टनरशिप के आपको बताया हुआ है, LLP का भी बताया है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं, और साथ के साथ मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताए हैं, पार्टनरशिप किस किस टाइप से होती है, कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं, सब डिटेल में करवाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन हमारा, AB दो पार्टनर है, ए की कैपिटल है 36,000 और बी की कैपिटल है 40,000, सी एडमिट हो रहा है 1/3 हिस्से के लिए। अगर सी एडमिट हो रहा है 1/3 हिस्से के लिए और हिस्सा कितना लेके आ रहा है 48,000, तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या सॉल्यूशन करेंगे, 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है सी, कितने पैसे लेके आ रहा है 48, तो इसको एक में कन्वर्ट करो ना कि टोटल कैपिटल कितनी है, अपोजिट एंट्री हो जाएगी 48,000 × 3/1 यानी कि कितना हो गया 1,44,000। अब क्या करेंगे, 1,44,000 कैपिटल होनी चाहिए टोटल, अब बन कितनी रही है इनकी, ए की कैपिटल है 36,000, बी की कैपिटल है 40,000, सी की कैपिटल है 48,000, टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया ये आपका 1,24,000, जबकि हमने कैलकुलेशन जो निकाली है वो तो 1,44,000 की है, लेस कर देंगे 1,44,000,
लेस कर दिया जी, 20,000 आ गई। ऑप्शन मिला लो, क्या ऑप्शन में है? 10,000 गलत, 30 गलत, 15 गलत, 20 बिल्कुल सही है। ये आंसर हो जाएगा। क्या करना है हमने, जो उसने कैपिटल दी थी उसको हमने वन में कन्वर्ट कर देना है। वन में कन्वर्ट करने के लिए अपोजिट हो जाएगी एंट्री थ्री से, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड किया और जितना मल्टीप्लाई करके आया था उसमें से लेस कर दिया, वो हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं आपके पेपर में। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका कि मैनेजमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने लेवल होते हैं। तो मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं? दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, तीन लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? टॉप लेवल, मिडल और लो। कहीं तो पांच भी बताते हैं, फोरमैन को भी इसमें बाद में काउंट कर लेते हैं, लेकिन वैसे लेवल जो तीन ही होते हैं इसके। टॉप लेवल के अंदर हायर मैनेजमेंट होती है जो डिसीजन लेती है। मिडल मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि जो हमारे सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, वो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन भी लेते हैं और काम भी करवाते हैं। किस से? लो लेवल के वर्कर से। और लो लेवल के जो होते हैं, जो बाकी का स्टाफ है हमारा, जो जैसे सेल डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज हैं, वो सेल को बढ़ा रहे हैं, परचेज के अंदर परचेज को बढ़ा रहे हैं, तो अब उसके अंदर सारे ही आ जाते हैं आपके, फोरमैन भी है, लाइनमैन भी है सब। और कई बार कुछ जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि फोर लेवल होते हैं जिसके अंदर वो फोरमैन है ना, जैसे कि लाइक एज अ फोर्थ कैटेगरी के हो जाते हैं, जैसे कि स्वीपर हैं या फिर सफाई वाले, जो भी जितना भी लास्ट लेवल पे आ जाता है, चौकीदार हैं, वॉचमैन वगैरह, वो सब कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन वैसे अगर क्वेश्चन अगर आ जाए आपका, तो तीन ही रखना है आपने। इसमें एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो डिसीजन कौन करता है मैनेजमेंट के अंदर, डिसीजन कौन से लेवल पर होता है? फर्स्ट लेवल के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक है जी हमारा एसडीआर। एसडीआर का पिछली बार भी मैंने एमसीक्यूज कराए थे, उसमें फुल फॉर्म पूछी गई थी। एक अब ये है कि एसडीआर को बोलते क्या हैं? पेपर गोल्ड बोलते हैं, पेपर मनी बोलते हैं, पेपर कैपिटल बोलते हैं, पेपर ड्राइंग बोलते हैं। तो एसडीआर को हम लोग बोलते हैं पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल से पिछली बार भी आया हुआ था, 2013 में भी आया हुआ, मेरे ख्याल 2011 में भी आया हुआ था। इम्पोर्टेंट है। पेपर गोल्ड के अंदर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? ये फाइव टाइप की करेंसी होती है, फाइव टाइप की, जैसे कि आपका डॉलर, पौंड, डॉलर पौंड हो गया, यूरो, येन और स्टर्लिंग। पांच टाइप की करेंसी है, और बाकी का जो गोल्ड गोल्ड है वो सब कुछ जो हमारा जो फॉरेन करेंसी है उस फॉर्म में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट इसकी फुल फॉर्म है, उस फॉर्म में होता है ये एसडीआर। एक और क्वेश्चन है आपका, पार्टनरशिप का ही है, रिटायरमेंट का कैलकुलेशन है इसके अंदर, कि आरएसएम, आरएसएम का जो रेशो है, प्रॉफिट रेशो, वो है जी 2:1। अब R चला गया, R चला गया, तो अब नया रेशो क्या है S और M का? 3:2। तो अब वो कह रहे हैं कि गेनिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो, देखिए ना, एक होता है हमारा गेनिंग रेशो, एक हमारा होता है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशियो में क्या आता है जी? ओल्ड, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो के अंदर आता है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो।
कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि सैक्रिफाइजेशन क्या है, तो ये ऑप्शन दे देंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सैक्रिफाइस रेशो हमेशा ही ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो आएगा, कि पहले वो ज्यादा ले रहा था अब वो कम लेगा, नया पार्टनर आ जाता है, और इसके अंदर क्या होगा, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो होता है। अब हम इसको निकालेंगे, तो अब हमें पता लग गया कि हमने क्या करना है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो निकालना है। न्यू रेशो है 3:2 और ओल्ड था जी हमारा 2:1, तो अब निकाल देते हैं। 3 by 5 minus 2 by 5 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस में 2 1 आ गया एस का, फिर है एम का, सॉरी 2 by 5 minus 1 by 5, वही 5 एलसीएम 2 माइनस में 1 by 5, यानी कि 1:1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेनिंग रेशो। क्या ये ऑप्शन में है? 2:1 नहीं है, 3:2 नहीं है, 1:2 नहीं है, 1:1 है हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में से भी एक क्वेश्चन आपका घूम फिर के आता ही आता है। सिचुएशन दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो कौन सा रूल है, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको शो करते हैं। तो पहले तो कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको शो करेंगे ना। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? संभावित दायित्व। संभावित दायित्व का मतलब क्या हो गया कि हमें हमें पेमेंट करनी भी पड़ सकती है और ना भी करनी पड़े। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन होता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक अकाउंट होता है, वो हमारा लाइबिलिटी साइड में होता है, वो कंटिजेंट लाइबिलिटी का एक पार्ट होता है। मान लो जैसे हमारे हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं ओनर हूं और मेरे पास 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं लेबर, तो अगर मैं ये कहूं कि किसी कारण से खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि मेरी फैक्ट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और मेरे मजदूर को मेरे लेबर को कोई दिक्कत आ जाए, तो मुझे तो उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसका परिवार उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है तो वो क्लेम भी कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना लेते हैं, उसके अंदर से जब कभी किसी कारण से किसी भी एम्प्लॉइज को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस वर्कमैन कंपनसेशन को यूज करते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं। और कंटिजेंट लाइबिलिटी यही है कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसमें से फंड रिलीज कर देंगे, ना भी आए, जरूरी तो नहीं है ना कि एम्प्लॉयज काम करते करते में क्षतिग्रस्त होंगे ही होंगे, नहीं भी हो सकते, तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है। तो ये कौन सा जो है हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? एक है कंजर्वेटिज्म, एक फुल डिस्क्लोजर, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक मेटीरियलिटी। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? रूढ़िवादिता का सिद्धांत, जो जनरली किस पर बेस होता है, वो ये कहता है कि होप फॉर द बेस्ट बी रेडी फॉर वर्स्ट, मतलब कि हम लोग अच्छे की तो कामना करें, हाँ भगवान सबका भला करे, सबका अच्छा हो, लेकिन बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। तो बुरे के लिए तैयार रहने के लिए क्या तैयारी करें? क्या हम कोई हथियार लेके बैठ जाए? नहीं, हमें उसके लिए एक अलग से रिजर्व बना के रखें कि खुदा ना खास्ता कोई लॉस हो जाए, कोई नुकसान इस तरह का हो जाए जिसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे जो हमने रिजर्व करा था ना उसको हम लोग यूज कर लें। तो वो होता है कंजर्वेटिज्म, कि हम आने वाले प्रॉफिट को तो कहीं मेंशन ना करें लेकिन आने वाली जो लाइबिलिटी है उसको हम शो करें, वो होता है कंजर्वेटिज्म। तो इसका आंसर भी यही होगा। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि हम कुछ भी ना छुपाएं। जब हम अपनी मार्केट के अंदर रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसके अंदर हमें हर प्रकार का डाटा, जो कि हमारी कंपनी की पोजीशन पर, जो हमारी कंपनी की पोजीशन के ऊपर इफेक्ट डालता है, कंपनी की पोजीशन पे इफेक्ट डालता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी हम एंट्री करेंगे। और ऐसी कोई एंट्री जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मानो 100-200 की एंट्री रहेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसी एंट्री जिससे फर्क पड़ता है तो हम उसको फुल डिस्क्लोज करेंगे, वो है जी फुल डिस्क्लोजर। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख की, आज
उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया हो गई, 1 करोड़, तो हम 10 लाख ही लिखेंगे, हम अचानक से उसको 1 करोड़ नहीं लिख देंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहती है कि पहले जिस टाइम में आपने जिस सामान को जितने ही रेट में खरीदा था आप उसको उतने में ही दिखाओगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मेटीरियलिटी, मेटीरियलिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आपने कोई मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज करी आपने 50,000 की और उसके ऊपर आपने 5,000 पे इंस्टॉलेशन चार्ज लगा दिया, इंस्टॉलेशन चार्ज, तो आपकी मशीन की वैल्यू 55,000 है। अब आप इस 5,000 को, इस 5,000 को आप लोग रिपेयर में नहीं दिखा सकते, आपको मशीनरी में ही दिखाना पड़ेगा, ये होता है मटेरियलिटी। और हाँ, किसी कारण से कभी कभी मशीन खराब होगी, आपको 200 रुपए लगाने पड़ेंगे, तो आप उसको मशीनरी में नहीं दिखाएंगे, आप उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में दिखाएंगे, ये होता है। यानी कि कोई बड़ा खर्चा उससे रिलेटेड आ जाए तो हमने क्या करना है, पर्टिकुलर उसी हेड में डालना है। और अगर छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस चलती रहती है वो तो 100-200 रुपए की, तो उसको हमने मशीन में नहीं दिखाना, वो मटेरियलिटी होता है। ये कुछ एमसीक्यूज थे जिनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी, रिलेटेड टॉपिक और रिलेटेड पॉइंट मैं आपको साथ के साथ करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आ रही है लाइक करो, शेयर करो, चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हाँ, और अगर कोई विशेष, अभी तो मैं यही कहूंगी कि एमसीक्यूज की सीरीज और टॉपिक आपके चलते रहेंगे, अब तो बस आप तैयारी पे जुट जाओ, टाइम इतना नहीं है कि हम लोग क्या बस, अब आपने सिर्फ ये करना है कि तैयारी अपनी करते रहो, वीडियो को आप पिछली वाली देखो, रिवीजन करो, अपनी जो है ना टाइम टेबल को थोड़ा सा बढ़ा दो बस। और मैं अब अलग से आपको कुछ ऐसा नहीं कहने वाली कि आपका जो शेड्यूल जो बना हुआ है उसको मैं खराब करूं, जो शेड्यूल बना रखा है अच्छा ही होगा वो, बस अपना तैयारी करो, जुट जाओ आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।